सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस बायोमेट्रिक मशीन को आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करोगे ताकि आप इसके सॉफ्टवेयर से इसे कनेक्टिविटी दे सको और रिपोर्ट्स जनरेट कर सको। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में वो होगा कि हम बायोमेट्रिक मशीन में नेटवर्क सेटिंग कैसे करेंगे। इसमें दो अलग अलग तरह की नेटवर्क सेटिंग होती है। एक तो होती है कि जब आप इंडिविजुअल कनेक्शन कर रहे हो, मतलब आपकी ये बायोमेट्रिक डिवाइस और कंप्यूटर दोनों के बीच आप लैन केबल से कनेक्शन कर रहे हो। दूसरी सेटिंग होती है कि आपके नेटवर्क में राउटर या स्विच लगा हुआ है, उस राउटर या स्विच को आप कनेक्ट करोगे बायोमेट्रिक मशीन से और उस राउटर या स्विच से आपका पीसी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह की सेटिंग हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहली सेटिंग हम लोग जो देखेंगे वो विदाउट राउटर देखेंगे कि आप इंडिविजुअल अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को कनेक्शन करना चाहते हो बगैर किसी राउटर के तो कैसे करोगे। दूसरे पार्ट में हम लोग वीडियो के वो देखेंगे कि भाई राउटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो किस तरीके से आप नेटवर्क की सेटिंग करोगे और कनेक्शन करोगे। तो फ्रेंड अगर आप लोग राउटर की सेटिंग देखना चाहते हैं तो आप वीडियो की जो टाइम चल रहा है नीचे लाइन पर उस टाइम को आप इतने टाइम तक आगे बढ़ा ले तो आपको राउटर वाली सेटिंग का जो वीडियो का पार्ट है वो आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप दोनों भी पार्ट देखना चाहते हो तो आप वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड अगर आपको टेक्नोसर्च चैनल का कंटेंट हेल्पफुल लगता है, टेक्नोसर्च के वीडियो ट्यूटोरियल से अगर आपका काम आसान हो रहा है तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशंस कर सकते हो। डोनेशन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके दिए हुए डोनेशन से टेक्नोसर्च को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने और नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने में मदद मिलेंगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेटवर्क की सेटिंग करने वाले हैं बायोमेट्रिक मशीन की। बायोमेट्रिक मशीन हमने पावर ऑन करके रख दिया है और पीसी या लैपटॉप की भी हम नेटवर्क की सेटिंग करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो हम जो पहले पार्ट में वीडियो के देखने वाले हैं कि विदाउट राउटर आप कैसे करोगे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पेपर पर मैंने नोट डाउन कर लिया है जो डिटेल आपको सेट करना है। अगर आपके पास राउटर नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन आप करने वाले हो आपकी बायोमेट्रिक मशीन और लैपटॉप के बीच में इस तरीके की नेटवर्क केबल से, तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे राउटर वाली सेटिंग नहीं बता रहा हूँ। वीडियो का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम राउटर के साथ वाली सेटिंग देखेंगे। इस सेटिंग में आपको सिर्फ लगने वाली है एक लैन की केबल और आपका बायोमेट्रिक मशीन और लैपटॉप, ये तीन चीज़ें आपको लगने वाली है। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स है मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दी है, आप भी नोट डाउन कर ले किसी पेपर पे। पीसी या लैपटॉप को आपको आईपी एड्रेस सेट करना है 192.168.1.100। सबनेट मास्क आपको डालना है 255.255.255.0। गेटवे एड्रेस आपको डालना है 192.168.1.1 और ये बायोमेट्रिक में ये एड्रेस आपको डालना है 192.168.1.200। आप यहाँ पर कोई दूसरा एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो बट 200 यूज़ करें इसलिए क्योंकि ये इजी रहेगा याद रखने के लिए, तभी आप भूल जाते हो तो आपको याद रहेगा इजीली। आप यहाँ पे 150 यूज़ कर सकते हो, 110 यूज़ कर सकते हो, 1 से लेकर आप 254 के बीच में कोई भी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो आईपी एड्रेस किसी और को आपके नेटवर्क में नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो तो कोई दूसरे को तो मिलेगा नहीं आईपी एड्रेस। बट आप ये सेम यूज़ नहीं कर सकते 100 वाला, क्योंकि 100 वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप को रहेगा। उसके अलावा कोई भी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम 1 to 254, 1 से लेकर 254 के बीच में आप कोई भी आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हो ये छोड़कर। तो पहले हम सेटिंग कर लेते हैं हमारी बायोमेट्रिक मशीन के आईपी एड्रेस की। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन्यू के बटन पर प्रेस करना है, एम वाला जो बटन है उस पर प्रेस करना है और मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के लिए ये एडमिन का पासवर्ड पूछ रहा है, मैं यहाँ पर मेरा फिंगर लगाता हूँ क्योंकि मैं ही एडमिन हूँ इस मशीन का। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में जाना है आईपी एड्रेस सेट करने के लिए वो ऑप्शन है कॉम वाला, जो सेकंड वाला जो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये वाला ऑप्शन कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। इस पर जाने के बाद आपको वापस से एम के बटन को दबाना है, ओके वाले बटन को। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर जो चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इन चार ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर नेटवर्क वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है नेटवर्क वाला उस पर आपको एरो ले जाना है, मतलब एरो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के ऊपर रहेगा और ओके के बटन को आपको प्रेस करना है। ओके के बटन को प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने आ जाता है आईपी एड्रेस का जो टैब है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप आईपी एड्रेस आपको मैन्युअली यहाँ पे डालना रहता है। यहाँ पे जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आया हुआ है 192.168.1.201 है, मैं डालकर बताता हूँ आपको कैसे डालते। 192.168.1 और ये साइड वाले ब्लॉक में अगर आपको लेना है कर्सर को तो आप ये वाला एरो वाला बटन दबाएंगे,
नीचे साइड में देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको 200 डालना है जो 200 है। ये सारा सबनेट मास्क जो है यहाँ पे जो डाला हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। तो हम नीचे के टैब में आ जाते हैं, यहाँ पे हमें गेटवे एड्रेस डालना है 192.168.1 और बाजू एरो दबा के 1। अब आपको यहाँ पे ओके के बटन पे आकर ओके क्लिक कर देना है। आपके चेंजेस यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ओके कर देंगे, एस्केप कर देंगे। अब पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, लैपटॉप के अंदर जो आईपी एड्रेस है इसकी सेटिंग हमको यहाँ पे करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो लैपटॉप को, यहाँ पर आपको जो कोने में आइकॉन दिखता है नेटवर्क का, यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आप चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दो आपको नेटवर्क के आइकॉन दिखा रहे हैं, एक वायरलेस वाला है और दूसरा लैन वाला है। तो आपको लैन वाला जो है उसके आईपी एड्रेस को चेंज करना है, वाईफाई वाले को नहीं चेंज करना है। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अगर आप विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़े से डिफरेंट ऑप्शन मिले। उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो आपको बता देंगे कि विंडोज़ 10 में कैसे करना है। ये विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जब आप आईपी एड्रेस के ऑप्शन में जाते हो, या आप हमारी पिछली नेटवर्क की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि विंडोज़ 10 के आईपी एड्रेस आप कैसे चेंज कर सकते हो नेटवर्क के। नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप लैन नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है TCP IPv4। ये आईपी एड्रेस आपको चेंज करना है। यहाँ पर जो आईपी एड्रेस डाला हुआ है उस आईपी एड्रेस को मैंने इरेज कर दिया है। अब आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डालना है 192। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 192.168.1.100। ये आईपी एड्रेस डालना है, टैप के बटन पे क्लिक करना है, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर टैप के बटन पे क्लिक करना है और गेटवे डालना है आपको 192.168.1.1। ये आईपी एड्रेस आपको सेव कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है हमने ये दोनों भी डिवाइसेस में डाल दिया है, बायोमेट्रिक में और लैपटॉप में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लैन की जो केबल है वो कनेक्ट करना है, या आप पहले भी कनेक्ट करके रख सकते हो। लैपटॉप का जो लैन पोर्ट है वो यहाँ पर है, मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो बायोमेट्रिक का जो लैन पोर्ट है वो बायोमेट्रिक के बैक साइड में होता है। देखिए ये बायोमेट्रिक के बैक साइड में लैन का पोर्ट अवेलेबल है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये दोनों को हमने कनेक्शन कर दिया है और बायोमेट्रिक मशीन को मैं साइड में रख देता हूँ। अब आप देख रहे हो लैपटॉप की स्क्रीन पर जो आइकन है नेटवर्क का आइकन वो कनेक्टेड बता रहा है। तो आपको कनेक्शन को वेरीफाई कैसे करना है, कनेक्शन को वेरीफाई करने के लिए आप विंडोज़ के मेन्यू बटन पे क्लिक करें, CMD टाइप करें और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है पिंग कमांड, टाइप करना है आपको PING पिंग स्पेस 192.168.1.200। ये जो आईपी एड्रेस है ये बायोमेट्रिक मशीन का आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 200 की जगह 150 रखा तो 150 आप यहाँ पे डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको 200 डालना है। आप कोई भी आईपी एड्रेस जो भी आपने बायोमेट्रिक मशीन को डाला है वही आईपी एड्रेस आप यहाँ पर डालें कमांड प्रॉम्प्ट में और उस पर इंटर कर दे। -T जो मैंने आगे टाइप किया है ये इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यू पिंग चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से रिप्लाई आ रहा है मशीन के पास से, तो ये दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। बायोमेट्रिक मशीन रिप्लाई दे रही है कंप्यूटर को, जब यहाँ से कोई सिग्नल भेजा जा रहा है तो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। अगर आप ये केबल रिमूव कर देते हो तो ये रिप्लाई रुक जाएगा। जैसे अभी मैंने केबल रिमूव किया आप देख रहे हो वीडियो में, तो यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि जो रिप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ये केबल मैं लगा देता हूँ तो वापस से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वापस से रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन और लैपटॉप के बीच में, दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका है। अगर ये कनेक्शन नहीं होता है, आपको पिंग का रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आपको कुछ और सेटिंग करनी होती है विंडोज़ में। जैसे कि आप आपकी फायरवॉल को क्लोज कर सकते हो, फायरवॉल का जो कनेक्शन होता है उसे लैन कनेक्शन के लिए आप क्लोज कर सकते हो, इंटरनेट के लिए पब्लिक नेटवर्क के लिए ओपन रख सकते हो। या कुछ केसेस में ये हो सकता है कि केबल ख़राब होती है तो केबल भी आप चेंज करके देख सकते हो, कोई दूसरी केबल आप लगा के देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अल्टरनेट केबल ऑलरेडी रखी थी कि भाई एक केबल अगर काम नहीं करती है तो मैं दूसरी केबल से काम कर सकते। सो फ्रेंड ये मेथड हो गया अब हमारा कि भाई हमने विदाउट राउटर हमारी बायोमेट्रिक मशीन को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। अब अगला मेथड जो हम देखने वाले हैं वो राउटर से कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखने वाले हैं। सो फ्रेंड अभी जो सेकंड पार्ट हम लोग वीडियो का देखने वाले, इस वीडियो में हम लोग जो बायोमेट्रिक है हमारी उसको कनेक्ट करेंगे राउटर से। ये मतलब ये जो हमारा ब्रॉडबैंड राउटर है इस राउटर में कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का, और इस राउटर से हमारा PC या लैपटॉप कनेक्ट रहेगा और इसी राउटर में जो बायोमेट्रिक की वायर है वो कनेक्ट होगी। राउटर या स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन होगा।
तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे दो केबल्स लगेंगी, जो कि एक केबल हमारी कनेक्ट होंगी हमारे लैपटॉप को। मैं यहाँ पे लैपटॉप को ले लेता हूँ पहले, और लैपटॉप को हम एक कनेक्शन कर देते हैं हमारे राउटर से। तो लैपटॉप को यहाँ पे राउटर से कनेक्शन हो चुका है, और उस आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक नंबर पे लाइट आ रही है, ये लैपटॉप की लाइट है, जो लैपटॉप से जो केबल कनेक्ट है उसकी लाइट है। और दूसरी केबल मैं यहाँ पे ये येलो वाली केबल कनेक्ट कर रहा हूँ इसी राउटर के लैन पोर्ट में, जो कि आप आगे एक्सटेंड करके स्विच में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दो लाइट आ रही है, वन नंबर और टू नंबर पे। टू नंबर की जो लाइट है वो बायोमेट्रिक मशीन से जो केबल आई है उसकी लाइट। इस सिचुएशन में या इस तरह की कंडीशन में, राउटर और स्विच वाली कंडीशन में, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो नेटवर्क आईपी है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख कर आपको बता देता हूँ लैपटॉप का नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या है। नेटवर्क कनेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर आपका जो लैन कनेक्शन है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस पर क्लिक करेंगे, डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस है वो दिखाता है, जो आपके राउटर से मिल रहा है वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप को जो आईपी एड्रेस मिल रहा है वो आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, और उसका सबनेट मास्क वही है 255.255.255.0, और गेटवे एड्रेस है 192.168.1.1। ये 1.1 जो है ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी सीरीज़ का आईपी एड्रेस अपने बायोमेट्रिक डिवाइस में डालना है। तो फॉर एग्जांपल यही सीरीज़ है जो हमारे राउटर की है, ये जो गेटवे एड्रेस आपने देखा, ये गेटवे एड्रेस हमारे राउटर का एड्रेस है राउटर की सीरीज़ में। हो सकता है कि आपके पास ये 2.1 हो जाए और ये जो आईपी एड्रेस है आपका 2.2 हो जाए या 2.200 हो जाए। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको उसी सीरीज़ को चेंज करना है, जो ये आपको चेंज करना है, जो लास्ट ऑक्टेट होता है इसे ऑक्टेट कहते हैं। तो ये चार ऑक्टेट में से स्टार्टिंग के थ्री ऑक्टेट आपको नहीं चेंज करना है, जो लास्ट वाला ऑक्टेट है वो आपको चेंज करना है। और अगर आपको नेटवर्किंग अच्छी पता है तो आपको पता होगा कि कौन सी सीरीज़ में कौन सा ऑक्टेट आप चेंज कर सकते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है नेटवर्किंग के, फिर भी उनका काम अगर रुक जाता है, उनको प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में अच्छा पता है तो आप समझ सकते हो कौन सा ऑक्टेट आप कब चेंज कर सकते हो, कौन सी सीरीज़ में कौन सी आईपी एड्रेस अगर आपको मिल रही है तो आप उसमें कौन से नंबर्स आप चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक बार वापस से बायोमेट्रिक मशीन की जो नेटवर्क की सेटिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं राउटर के हिसाब से। मेन्यू के बटन पर आप प्रेस करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र को। यहाँ वापस से हम नेटवर्क कनेक्शन में जाएंगे, कम्युनिकेशन में, नेटवर्क में, और नेटवर्क में यहाँ पे आपको वापस से जो आईपी एड्रेस मिल रहा है 192.168.1. हम यहाँ पे इसे 10 कर देते हैं, और बाकी की सारी चीज़ें हमें सेम रखना है, क्योंकि जो गेटवे एड्रेस है राउटर का एड्रेस सेम है, सबनेट मास्क सेम है, और आपको सिर्फ यहाँ पे ओके कर देना है। तो अब की बार जो हमारा आईपी एड्रेस है बायोमेट्रिक मशीन का वो हो चुका है 10, वो 200 नहीं है। तो अब हम वापस से एक बार हमारे कंप्यूटर से हमारी बायोमेट्रिक मशीन को पिंग करके देखते हैं वो पिंग होती है या नहीं होती है। वापस से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, देखिए ये जो 200 वाला जो आईपी है ये अब पिंग होना बंद हो गया है, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन का आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। मैं इसे स्टॉप करता हूँ कंट्रोल सी दबाकर, और अब की बार मैं जो इसे पिंग करूँगा तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज कर दूँगा, 200 की जगह पे मैं 10 यूज़ करूँगा। तो देखिए ये पिंग यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमारे जो दोनों भी टाइप के कनेक्शन थे, विदाउट राउटर और विथ राउटर, दोनों भी हमारे कनेक्शन बायोमेट्रिक मशीन से सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आपका कनेक्शन जिस भी टाइप का हो, आप इजीली आपकी बायोमेट्रिक मशीन को पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट कर चुके हो। अब इसके बाद की जो स्टेप आती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, वो स्टेप हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, उसके लिए आप अगली वीडियो देख सकते हैं। अब एक और मेथड है जो मैं आपको एडिशनली बताने वाला हूँ कि आपको अगर आप सेम राउटर पर कनेक्ट हो, सेम गेटवे पर कनेक्ट हो, और अगर आपका लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है और आपकी बायोमेट्रिक मशीन आप केबल से कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का जो लैन केबल है वो रिमूव कर रहा हूँ। लैन केबल जो है मैं लैपटॉप का मैंने रिमूव कर दिया है, लैपटॉप को कोई लैन केबल कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हो, इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, बैक साइड भी नहीं है। लैपटॉप हमारा अभी टोटली कनेक्टेड है वाईफाई के ऊपर, और मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बता रहा हूँ, देखिए वाईफाई से कनेक्टेड है, और सेम उसी वाईफाई राउटर से हमारी जो बायोमेट्रिक मशीन है उसका लैन केबल कनेक्टेड है। आप देख रहे हो ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ दो नंबर पे लाइट आ रहा है, एक नंबर का जो लाइट था कंप्यूटर का, लैपटॉप का, वो लाइट बंद हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि भाई कंप्यूटर या लैपटॉप के बीच में और बायोमेट्रिक के बीच में कनेक्शन होता है क्या।
तो यहाँ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पिंग कनेक्शन हमने इसके पहले किया था, सेम वही पिंग कमांड हम रन करेंगे, वही आईपी रहेगा। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन से रिप्लाई आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लैपटॉप को जो वाईफाई पर हमने कनेक्ट किया है उसे भी सेम सीरीज का आईपी एड्रेस मिला है सेम राउटर से। लैन के ऊपर आईपी एड्रेस मिला था 1.2 और वाईफाई पे आईपी एड्रेस मिला है 1.3। तो देखा आपने कि सेम सीरीज के आईपी एड्रेस रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्शन में, आप चाहे लैन पे कनेक्ट करें या वाईफाई पे कनेक्ट करें। बायोमेट्रिक मशीन का आईपी एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, वो आईपी एड्रेस जो आपने सेट किया है वही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने टोटल 3 मेथड देखे कि आप विदाउट राउटर के आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से बायोमेट्रिक मशीन को कैसे कनेक्ट करोगे। सेकेंड मेथड हमने देखा कि भाई राउटर को यूज़ करके लैपटॉप को लैन पे और बायोमेट्रिक को लैन पे कैसे कनेक्ट करेंगे। तीसरा मेथड हमने बोनस में देख लिया कि लैपटॉप वाईफाई पे कनेक्ट रहेगा और बायोमेट्रिक मशीन आपकी लैन पे कनेक्ट रहेंगी। सेम इसी तरीके से आप बायोमेट्रिक मशीन को वाईफाई पे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी मशीन में वाईफाई का एंटीना अवेलेबल है तो। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन का सीक्वेंस के कनेक्शन कैसे करेंगे। अब इसके बाद हम लैपटॉप के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो बायोमेट्रिक मशीन का सॉफ्टवेयर है, और फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम बायोमेट्रिक मशीन को सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मेथड हम लोग देखने वाले अगली वीडियो में, तो आप अगली वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। जिस प्रॉब्लम के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आप वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन या दिए गए सजेशंस के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है फ्रेंड्स, तो आप हमारे प्रीमियम सपोर्ट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। हमारी प्रीमियम सपोर्ट सर्विसेज बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारी प्रीमियम टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या कमेंट में आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हो, आपको हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम की तरफ से कॉल किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हो। अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन का लिंक दिया हुआ है। आपके दिए हुए डोनेशन से टेक्नोसर्च को नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। सो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।